हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल सॉल्व वर्कशीट 21, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, क्लास 4th। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन। आर्टिकल वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिफाइन करते हैं। और नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, दो नाउन होते हैं, एक स्पेसिफिक होता है, एक अनस्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होते हैं जिनकी सर्टेन आइडेंटिटी होती है, अनस्पेसिफिक वो होते हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड टू गुड। आर्टिकल अपने तीन टाइप के होते हैं, ए एंड द। ठीक है, यहाँ देखिए, बाय यूजिंग द आर्टिकल द वी हैव शोन दैट इट वाज दैट वन डे विच वाज लॉन्ग। यहाँ पे द यूज़ करा है, द क्या शो कर रहा है? बहुत पहले द कप ऑफ टी टेस्टेड टू गुड, जो चाय पी थी अपन ने वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, एंड दैट का वन कप ऑफ टी दैट टेस्टेड टू गुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, अ बुक, ये अपना नाउन है बुक। ठीक है, एन एप्पल, एप्पल अपना नाउन है। द ताजमहल, ताजमहल अपना नाउन है। ठीक है, इनके आगे ए एन द ये अपने आर्टिकल्स यूज़ किए हैं। आर्टिकल्स यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए। आर्टिकल्स आर टू टाइप्स, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट होता है ए एंड द, और डेफिनिट होते हैं द। ठीक है, दे डू नॉट पॉइंट एनी पर्टिकुलर ठीक है, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। दे डू नॉट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग्स। द डेफिनेट आर्टिकल होता है एंड द इज़ यूज बिफोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बोले तो जिसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, जिसकी एक अच्छी पहचान होती है। ठीक है, और ए और एन उनके साथ यूज होते हैं जब उनकी आइडेंटिटी अपने को पता नहीं होती है। ठीक है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ए इज़ यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? अपने इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 से उनमें से अपने वॉवल्स होते हैं। कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, 5 अपने वॉवल्स होते हैं, और हमेशा वॉवल्स के साथ एन का यूज़ होता है। ठीक है, एन, जैसे यहाँ पे एन एप्पल, यहाँ ए आया, ये अपना वॉवल है, इसके साथ एन का यूज़ हुआ है। ठीक है, एलिफेंट है, एलिफेंट के साथ ये अपना ई है, ई वोवल है, इसके साथ एन का यूज़ होगा। अपना आइसक्रीम है, आइसक्रीम, अपना आई है वोवल, इसके साथ एन यूज़ होगा। हमेशा ए ई आई ओ के यू के साथ बच्चों ध्यान रखना, एन का यूज़ होता है, वोवल्स के साथ एन का यूज़ होगा। इनके अलावा अपने अल्फ़ाबेट्स में इन 5 के अलावा जो भी बसता है, जितने अल्फ़ाबेट्स बसते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, बच्चों इनके साथ हमेशा एक का यूज़ होगा, ध्यान रखना। ठीक है, वॉवल्स अपने 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनके साथ एन का यूज़ होगा। इसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट बसते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, और उनके साथ एक का यूज़ होगा। ठीक है,
द इज़ यूज बिफोर स्पेसिफिक नेम ऑब्जेक्ट नाउंस एक्सेट्रा. द हमेशा स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर नेम ऑब्जेक्ट नाउन के साथ यूज होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, यहाँ पे आते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 4 अपन सॉल्व करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स. आर्टिकल्स अपने हैं ए एन द. ठीक है, मैंने बताया एन हमेशा वॉवल्स के साथ यूज होता है. ए ई आई ओ यू. द हमेशा स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होगा और ए अपना कॉन्सोनेंट्स के साथ होगा. ठीक है बच्चों, यहाँ सबको समझ में आया? अब इन्हीं से अपन इन फिलअप्स को कंप्लीट करते हैं. शी हैज़ कम आउट विदाउट. वो बाहर आई बिना अम्ब्रेला के. ठीक है, यहाँ अपना कौन सा रूल लग रहा है? देखिए यू आ रहा है. यू हमें यू अपना कहाँ आ रहा है? वॉवल में आ रहा है. वॉवल के साथ हमेशा किसका यूज़ होगा? एन का. तो यहाँ आ जाएगा एन अम्ब्रेला. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश यमुना इज डैश होली रिवर. यमुना अपनी होली रिवर है. ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है बच्चों? यहाँ पे देखिए यमुना, यमुना एक अपनी नदी है. ठीक है, होली मतलब होते धार्मिक. ठीक है, तो इनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है. ठीक है, इनके आगे यूज़ होगा द यमुना इज़ द होली रिवर. विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. विच इज़ लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी नदी कौन सी है इंडिया में? यहाँ आएगा द. ठीक है, शी रिटर्न आफ्टर. बच्चों यहाँ पे आर पढ़ेंगे अपन. ठीक है, आर हमेशा आर में एच साइलेंट होता है. आर पढ़ेंगे तो आर में ओ आया. ठीक है, ओ ओ अपना वोवल है. वोवल के साथ हमेशा एन का ही यूज़ होगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन. डैश सन इज शाइनिंग ब्राइटली. सन, सन क्या है अपना? एक स्पेसिफिक चीज़ है, उसकी आइडेंटिटी कि वो सूरज है. ठीक है, इसके साथ अपना होगा द का यूज. मुंबई इज़ द बिग सिटी, इसकी भी एक प्रॉपर आइडेंटिटी है. इंग्लिश, इंग्लिश की भी एक आइडेंटिटी है. इंग्लिश इज़ द डिफ़िकल्ट लैंग्वेज. द सन राइजेस इन द ईस्ट. बेटा देखो यहाँ पे इनकी एक प्रॉपर स्पेसिफिक आइडेंटिटी मेंशन की गई है, इसलिए इनके साथ द का यूज़ आ रहा है. ठीक है, नाइन्थ में आते हैं. यू आर डैश फूल टू से दैट. यू आर, बच्चों देखो यहाँ पे एक का यूज़ आएगा. यू आर अ फूल टू से दैट. ठीक है, डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ए अपना वॉवल है, यहाँ आएगा एन. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ, कलर द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट दियर नेम विद द प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल. ठीक है बेटा, यहाँ पे ये पिक्चर्स दे रखी है, इनको पहचानना है. इनके साथ अपन को आर्टिकल्स लगाने हैं. ठीक है, और इनको कलर करना है. ठीक है, ये अपना है ताजमहल. ताजमहल, ताजमहल अपना क्या होगा? स्पेसिफिक है तो इसके साथ द होगा. ये अपना है अम्ब्रेला. अम्ब्रेला, ठीक है, ये अपना वॉवल है, इसके साथ एन का यूज़ होगा. ये अपने डॉल है. डॉल अपने
कंसोनेंट्स आ रहा है इधर, इधर करेंगे अडॉल, ठीक है। ओके, सबको समझ में आई? ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।